महापुरुषों का संतों का दर्शन कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में हम आप सब बैठ करके अपने जीवन का अलग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये हम आप सबका सौभाग्य है। ठाकुर जी के उत्सव में आकर के हम एक साल के लिए अपने शरीर को, तन को, मन को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ संतुष्ट करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे ही हम अपने को एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए चार्ज कर लेते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो महापुरुषों के सर्वोपदेश श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में भावपूर्ण यहाँ श्री धाम रमण रीति में निवास करें और उसका अनुभव करें तो निश्चित परम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। ये वो भूमि है जहाँ कण कण में श्री कृष्ण श्री रमण बिहारी की कृपा विद्यमान है। इसलिए ध्यान रखें, ये रमण रीति धाम पावन पवित्र धाम है। यहाँ कोई भी इस तरह का विकारात्मक कोई विचार ना लावे, किसी की बुराइयां ना करें, किसी को हीन भावना से ना देखें और पवित्र भाव ही यहाँ धारण करें, क्योंकि पावन पवित्र भूमि है। तब ये अनुभव होगा आपको, अपने आप का आनंद और शांति का अनुभव होगा। कहीं भी ऐसा बहुत लोग होते हैं कि कुछ सामग्री पन्नी में रखा और उसमें भर के सामान ले लिया, पन्नी फेंक दी, कूड़ेदान बने हुए हैं डस्टबिन, उसमें ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। विशेष ध्यान रखें, आप अपने को पावन बनाने आए हैं तो पावन बनाने के लिए ब्रज रज, ये रमण रीति की रज अपने मस्तक पर लगाइए और रज में किसी प्रकार का दूषित पदार्थ ना डालें, ये ध्यान रखें तो मन अद्भुत और पावन होगा, तभी आपकी सच्ची निष्ठा और प्रेम होगा। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय। मंच पर हमारे प्रमंदनीय पूज्यपाद श्रद्धे स्वामी विश्व चेतन जी महाराज, मथुरा के पूज्य महंत जी महाराज एवं उनके बगल हमारे प्रमंदनीय संत श्रोमणि महामंडलेश्वर पूज्य पठानकोट वाले महाराज जी, उनके बगल में बैठे पूज्य स्वामी जी और आज प्रातः काल वेला में ऋषि के से पधारे हुए परम वंदनीय स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज, इधर हमारे परम वंदनीय पूज्य स्वामी श्री राम बिहारी दास जी महाराज पठानकोट, और भी हमारे संगीताचार्य श्याम सुंदर जी, अन्य संतों का आप सब दर्शन कर रहे हैं। तो सत्संग सभा प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में ही हम श्री राम बिहारी दास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। राम बिहारी दास जी, कनिष्ठ ज्येष्ठ
लघु दीर्घ गुरुबंधु समुपस्थित भगवत श्रोता समाज, माताएं एवं बहनों, आदि सभी को प्रेम से जय श्री कृष्णा जय श्री राम। अब हमारा आप उत्तर नहीं देते हो, जवाब नहीं देते हो, अरे भगवान का नाम नहीं ले रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सभा प्रारंभ हो गई है। आप सभी भक्तों से ये विनती है कि सभी लोग दक्षचित शांत चित होकर के एकराग होकर के शुद्ध महापुरुषों की वाणी को श्रवण करो, जिसमें कुछ कहने और सुनने का आनंद मिले। मानस रोग कछु कहे काये है सबके लखी बिरले पाए, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती यादा। सारा संसार बुराइयों से ग्रसित है, रोगों से ग्रसित है। वर्तमान समय में साल दो साल पहले देखें आप, ऐसी विक्रांति आई हो कि जिसको हम कोरोना के रूप में सारे सत्संग आदि जो है विश्राम देना पड़ा। एक सरल भाषा में यूं कहें, जिससे ना पूछो वही सुखी है। जिससे ना पूछो वही सुखी है। हाँ, कोई तन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहा तो उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के साथ सुख मस्ती, विरक्त से मुनरियो एकांत जीविना। बड़ी सुंदर बात कही, काम पात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा। हमारे यहां बात पित्त कफ, ये शरीर में तीन तरह के तीन गुण होते हैं, और
और इन्हीं का अतिरेक होना रोग का कारण बनता है। सबन हो जाने पर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। माने जब ये कहीं बढ़ जाए तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, जब समान हो जाए, बराबरी में हो जाए तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो ऐसे ही कहते हैं ये शरीर में रोग है, पर एक रोग जो है वो है भव रोग, वो है मन का रोग। अच्छा एक बात मैं बताएं आपको, शरीर में रोग होता है वो दिखाई देता है। आपको ज्वर आ गया, बुखार आ गया, ठंडी लगना प्रारंभ हुआ, आपको पता लग गया कि मैं बुखार आया। पर यदि मन का रोग हो जाए तो मन का रोग इतना भयंकर होता है कि वो दिखाई नहीं देता। होता तो है पर दिखाई नहीं देता। मन की रोग की एक विशेषता है कि जो मन का रोगी होता है वो अपने में रोग को नहीं देखता बल्कि सामने वाले को देखता है, सामने वाले में रोग को देखने लगता है। जैसे झूठ बोलना क्या है, रोग ही तो है कि झूठ बोलना ये तो रोग है, चिंता करना रोग है। पर समस्या है यदि किसी से कहा जाए भाई आप झूठ बोल रहे हो तो उल्टा वो आपको कहेगा कि नहीं हम क्यों बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। माने मन का जो रोग होता है वो अपने आप में नहीं दिखाई देता, सामने वाले में दिखाई देता है। ये मन के रोग का दुर्भाग्य है और हम सभी लोग कहीं ना कहीं रोगी है, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से। यहां कवि कहता है काम बात, काम क्या है बोले ये वायु, क्रोध क्या है ये कफ, काम बात कफ लोभ, लोभ क्या है ये कफ है, क्रोध क्या है ये पित्त है, क्रोध क्या है पित्त है। आयुर्वेद की एक मान्यता है कहते यदि ये तीनों रोग बढ़ जाए, काम बात कफ तीनों बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्तन्यपात रोग होता है। स्तन्यपात, और स्तन्यपात तो आजकल नहीं होता, बड़ा पुराना रोग है। और ये रोग वायु रोग से संबंधित है। वायु रोग 64 प्रकार का होता है, 64 प्रकार का, 64 प्रकार के रोगों में एक वायु रोग होता है जिसमें उस व्यक्ति को संन्यास रोग हो जाता है। संन्यास रोग का मतलब नहीं समझे, संन्यास रोग का मतलब होता है कि वायु रोग जब हो जाता है व्यक्ति को तो उसके जीवन में लगता है घर गृहस्थी छोड़ो, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दो। पर वो समस्या ये होती है कि जब समाज से या मन रोगी हो जाता है तो वो व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है कि दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। पर समस्या है उसे संन्यास, उसे कोई वैराग्य वैराग नहीं हुआ है। सत्य तो ये है वो व्यक्ति मन का रोगी हो गया है। जैसे कुछ समय पहले देखा था ना, आपने टीवी में देखा होगा, एक वीरेंद्र पांडा था आईजी लखनऊ में, और महाराज वो नौकरी छोड़ के राधा बन गया, नाचने लगा। देखा है ना आपने कभी, ध्यान दिया होगा, वो नौकरी छोड़ छाड़ के राधा बन के नाचने लगा। क्या बात है, स्त्री भेष में आके नाचने लगा। महाराज ये क्या, ये वायु रोग था उसका, ये वायु रोग। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे होते समाज में देखे गए हैं कि महात्मा बन गए, सब कुछ हो गया और बाद में फिर वापस घर में चले जाते। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है उसके मन में वैराग्य नहीं था, उसके मन में तो मन रोग हो गया, उसके मन में मन रोग हो गया था, मनोरोग से ग्रसित था। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि ये जो तीनों ये दोष एकत्रित हो जाए और बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में कहते उपजई सन्नपात दुखदाई। और सन्नपात क्या होता है, जिस व्यक्ति को सन्नपात हो जाता है वो व्यक्ति जो है उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि मुझे क्या कहना है और क्या सुनना है, क्या कहना है और क्या सुनना है। हमारे यहां कहते तीन व्यक्ति संभाल के नहीं बोलते, तीन व्यक्ति, तीन व्यक्ति संभाल के नहीं बोलते। कौन कौन से, कापातुल भूत पातुल भूत विपसा
योग से ग्रसित हो अर्थात जिसे संघपात हो गया हो वो व्यक्ति संभाल के भूत एक होती प्रेत बात। देखो यदि किसी चीज का नाम है, हमने किसी चीज का नाम सुना है भले ना देखा हो पर वो व्यक्ति है। जैसे मान लो हमें अमेरिका का नाम सुना है, अमेरिका हमने देखा नहीं, अमेरिका हम गए नहीं, तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका है। इसका मतलब है ये जो प्रेत बाधा है ये भी है, ये प्रेत बाधा है ये भी है। तो कहते जो व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित हो जिसे बाई योग संपात जैसे हो, और तीसरा कौन कहा विवश मतवारे। विवश मतवारे का मतलब है जो मदपान करते हैं, जैसे शराब आदि पी लिया और कोई मादक पदार्थ पी लेते हैं, और जब उसका नशा चढ़ जाता है ना तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति संभालेंगे नहीं। एक बार एक ड्राइवर था गाड़ी चलाने वाला था, तो महाराज गाड़ी पर बैठा, उसका मालिक भी बैठा और दोनों जा रहे थे, तो दुर्भाग्य से जो ड्राइवर था ना उसने कोई गांजा वाजा पी रखा था, चिलम लगा रखी थी, और महाराज उसको नशा चढ़ गया। और जैसे नदी के पास में आया तो उसने अपने मालिक से कहा कौन से फूल से लेके चले? कहते किस फूल से लेके चले? तो मालिक ने कहा हुआ क्या? अरे कहते मेरे को दो दो फूल दिखाई दे रहे, मेरे को दो दो फूल दिखाई दे रहे। उसने कहा बाबा तू उतर 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 अभी हटा 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 तू कहीं फेंकेगा नदी में। मतलब ये कहने का जो किसी मदपान किया नशा के प्रतिकूल है ऐसे व्यक्ति संभाल के नहीं बोलते हैं। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था जब तीनों रोग बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में संन्यास हो जाता है। और ऐसा प्रमाण है रामायण में कौन है किसका है? कहते ऐसा है महाराज दशरथ जी। महाराज दशरथ जी का यह सशक्त प्रमाण है कि महाराज दशरथ जी को संन्यास की स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति हो गई थी महाराज दशरथ ने कैकेयी जी से कहा कि आप भगवान को बल भेज दोगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी ने कहा कि यदि बल नहीं जाएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। महाराज दशरथ कैकेयी से बार बार कहे, बार बार कह रहा हूं सुमुख से लो जन पी के बचन कारण मोहि सुनाव गज गामिन निज को। महाराज दशरथ कैकेयी और कैसे कह रहे पद गही भी नहीं। महाराज दशरथ जी कैकेयी के पैर पकड़े, पद गही भी नहीं पैर पकड़े और क्या करे सकहुं तोरे अमरता मारी, का तुम्हारे लिए जो अमर है उसको मैं मार दूंगा, जो अमर है मैं उसको मार दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जो अमर है वो मरेगा कैसे? जो मरेगा वो अमर कैसे? और दूसरी बात दशरथ जी में क्या सामर्थ्य है कि अमर को भी मार दे? बोलो सकहुं तोरे अमरता मारी। कैकेयी जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हो? महाराज दशरथ कहते जानते हो मेरा स्वभाव है का मन तव आनन चंद चकोरू, मन तव आनन चंद चकोरू। महाराज दशरथ कैकेयी जी से कह रहे आपका मुख चंद्रमा की तरह है। कैकेयी जी से कह रहे आपका मुख चंद्रमा की तरह है और दशरथ जी कह रहे हम चकोर हैं, हम चकोर हैं। अब आप ये विचार करके देखो, दशरथ जी चकोर बन रहे हैं, कैकेयी जी चंद्रमा बन रही है, क्या ऐसा हो सकता है? महाराज दशरथ तो पति, महाराज दशरथ की पत्नी है कैकेयी जी, पति को चंद्रमा होने चाहिए, पत्नी को तो चकोर होनी चाहिए। जैसे पार्वती जी कह रहे कि जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद। आज भगवान शंकर पिता वो चंद्रमा है और आप कौन? जय 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 मुख चंद चकोरी। लेकिन दशरथ जी कह रहे मन कवयानन चंद चकोरी। किसी ने कहा कि महाराज दशरथ ऐसा क्यों कह रहे?
क्यों करे दशरथी? बोले दशरथी को सन्नपात हो गया था। बोले सन्नपात कैसे हो गया था? का असमन को नहीं राव नहीं बोला, अभी पर पात सरिस मन डोला। महाराज दशरथ का मन ऐसा था जैसे कोई पीपल का पत्ता हिलता ना बिना हवा चले। बोले ऐसे दशरथ जी का मन हिल रहा था और ऐसी स्थिति में दशरथ जी बोले जा रहे थे, सकौ तोर अमरता मारी, मैं अमर को भी मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इसका मतलब है कि महाराज दशरथ जी को सन्निपात हो गया था। और सन्निपात कैसे हो गया था? कहते काम बात कफ, काम इकट्ठा हुआ, काम की प्रबलता आई और किसके जीवन में आई? महाराज दशरथ जी के जीवन में आई। का देख काम सो सुन तियरे से कयम सुखाई, देख काम प्रताप बड़ा। महाराज दशरथ जी के जीवन में काम आया और कैकेयी जी के जीवन में क्रोध आया और मंथरा जी के जीवन में लोभ आया। अब वहां तीनों इकट्ठा हो गए, काम क्रोध लोभ तीनों एकत्रित हो गए। और तीनों इकट्ठा ही नहीं हुई है, सत्य तो यह है तीनों की इतनी बड़ी प्रबलता हो गई, तीनों विकार इतने बढ़ गए, अतिरेक हो गया। और मैंने आपसे कहा था जब अतिरेक हो जाता, जब बढ़ जाता है तो वहां तुलसीदास जी लिखते हैं वहां सन्निपात हो जाता है। वहां क्या होता है? सन्निपात। यद्यपि दूसरी दृष्टि से विचार करके देखे तो महाराज दशरथ कौन है, कैकेयी कौन है, कौशल्या जी कौन है, तो ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासना तुमिका अक्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथ हो नमः। महाराज दशरथ स्वयं वेद थे, तभी तो वेद तत्व तब नप सुतचारी। महाराज दशरथ वेद है, कौशल्या जी ज्ञान है, सुमित्रा उपासना है और कैकेयी जी क्रिया है। अब हमारे आपके जीवन की स्थिति क्या है? महाराज दशरथ कौशल्या जी के पास जाते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है, उन्हें वैराग्य हो जाता है, रीति ज्ञानान्न मुक्ति, उन्हें महाराज वैराग्य होता है। महाराज दशरथ जी को कब? जब कौशल्या जी के पास जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का संबंध वैराग्य से है। लेकिन महाराज दशरथ जब कैकेयी जी के पास गए तो कैकेयी जी क्रिया है और जब क्रिया है तो महाराज दशरथ संसार की ओर बढ़ रहे हैं। सुमित्रा जी उपासना है, सुमित्रा जी उपासना है, उपासना में केवल समर्पण ही समर्पण है और दशरथ जी वेद है। और वास्तव में देखा जाए तो कथा क्रम में तो ये है कि दशरथ जी के जीवन में सन्निपात हो रहा है, काम बढ़ गया, और वास्तव में देखा जाए तो वेद में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि विभुम व्यापतम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद तो ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म वेद का स्वरूप है, ऐसे मान लो। पर कथा में आप देखेंगे कि महाराज दशरथ जी के जीवन में काम की वृद्धि हुई, कैकेयी जी के जीवन में क्रोध की वृद्धि हुई और मंथरा के जीवन में लोभ की वृद्धि हो गई। और ये जब काम क्रोध लोभ तीनों इकट्ठा हुए, एकत्रित हो गए, एकत्रित नहीं हुए, मानो इतने प्रबल हो गए। और जब प्रबल हो गए तो तुलसीदास ने लिखा कि काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भारी, उपजय सन्न पात दुखदाई। और याद रखना ये रोग इतने प्रबल है, इतने खतरनाक है, याद रखना कि फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण थे। इसी से जीव का स्वभाव बनता है और इसी इन्हीं विकारों के कारण 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है। सिर्फ 2 पंक्ति निवेदित करूंगा, कहां से आए, याद रखना, ध्यान देना, कहां से आए कैसे आए, अरे किसको मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं,
दो दंपति सूत्र दो अनजाने पंछी दंपति सूत्र पर बनते हैं। पति पत्नी का विवाह होता है पर कन्या का यही पक्षी हम और आप हैं। दो अनजाने पंछी दंपति सूत्र पर बनते हैं, साथ न छोड़े जीवन में ऐसी कसमें लेते हैं। पर कौन पखेरू कब उड़ जाए, कौन पखेरू कब उड़ जाए इस पहलिए को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच की हड्डियां विश्व का प्रदान बना, शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान बना। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए इन शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। सियावर रामचंद्र की से चर्चा अगले। श्री कृष्ण गोविंद।